यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 2003 के एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। मामला लखनऊ जेल से जुड़ा हुआ है। माफिया डॉन मुख्तार को 19 साल पुराने मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार को 3 अलग-अलग धाराओं के तहत अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई है। साल 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। अंसारी को अलग अलग धाराओं के तहत कुल मिलाकर अधिकतम 7 साल की कैद और 37,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में कुल 10 मुकदमों का ट्रायल चल रहा है। मुख्तार के ऊपर चल रहे मुकदमों में कई गंभीर मुकदमे भी शामिल हैं, इनमें एक डबल मर्डर का मामला भी है।